तो भाई क्या क्लास थी आज हमारी? क्या क्लास थी सवेरे? क्या क्लास थी? कितनी बजे आए थे सवेरे? सात बजे आए थे। सात बजे तो स्कूल के बच्चे भी नहीं आते। हेलो, नहीं आते ना? आप सात बजे आए थे? तो सात बजे से आपकी ग्यारह बजे तक क्लास चली? ग्यारह बजे तक क्लास चली आपकी? ग्यारह बजे की क्लास में क्या किया? जो 4G का होता है नॉर्मल सीपीयू भी करा, ईएमसी भी किया आपने, ईएमसी के साथ पावर भी किया आपने। तो मतलब तरीके से काम हुआ क्या? तरीके से काम हुआ? नहीं नहीं, तरीके से हर चीज के पीछे एक लॉजिक था। अच्छा, ये काम किस किसने करा भाई? हम सबने। ये सबने किया है? चलिए ठीक है। उसके बाद किनके साथ क्लास थी आपकी? देवरतन सर के पास। देव सर के साथ क्लास थी आपकी? तो देव सर के साथ कंपोनेंट 2 की क्लास थी, मतलब कंपोनेंट 1 की क्लास कल और कंपोनेंट 2 की क्लास आज। भाई क्या लेवल है पढ़ाने का? सर बहुत हटके लेवल है उनका पढ़ाने का, समझाने का, जो मतलब इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं जो मतलब अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, वो निकालना मतलब इम्पॉसिबल है इंसान के दिमाग से कि ये चीज़ निकल जाएगी। इस तरीके उदाहरण के साथ पढ़ाने का तरीका है सर का, हर एक चीज़ का उदाहरण, फिर एक एक्सप्रेशन उसी बोर्ड पे दिखाते दिखाते भी है, फिर डायग्राम में भी दिखाते हैं सर, एकदम हट के मतलब लेवल का है समझाने का तरीका जी। उसके बाद 3 बजे सर, 11 बजे से 3 बजे तक आपकी क्लास थी। उसके बाद 3 बजे से लेकर अभी समय क्या हो रहा है? तो कितने घंटे का प्रैक्टिकल हुआ? नियर अबाउट प्रैक्टिकल 8 घंटे। अभी 7 से काउंट करें 11 तक, 4 घंटे जब। और अभी कितने अंडे हुए हुआ? 6 और 4 10 घंटे बोल जाते हैं। तो 10 घंटे पढ़ के बैठे हैं आप, 10 घंटे कहीं से कहीं तक ऐसा बोरियत लग रही है आप? एनर्जी अभी भी वही है, आवाज आना चाहिए। देखो आज एनर्जी भी वैसी की वैसी, नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलिए ठीक है। साथ एक और स्टूडेंट जी, मोदी आ जाइए। पंकज मोदी नाम है मेरा जी, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी जी सर। तो बताइए पंकज, तो आप सेकंड डे कंपोनेंट की क्लास देव सर के साथ, सुबह में भी प्रैक्टिकल की क्लास थी और अभी भी 3 बजे से लेकर तो रात के 8:30 बजे तक आपका प्रैक्टिकल चला है। जी सर। तो क्या बताएंगे सर? देव सर का पढ़ाने का तरीका है ना लिमिटेड, इतना ज्ञान बांट सकते हैं वो हम ले नहीं सकते सर। ले नहीं सकते? जी सर, वन टाइम में ले नहीं सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते सर। इतना अच्छा तरीका है उनका बताने का कि मैं एक बार नहीं सर बार बार बोलता हूँ, कल भी एक चीज़ बोला था कि बोर्नियो फेल है उनके साथ जी। इतना अच्छा है उनका बताने का तरीका। और यहाँ पे पढ़ने का एक बेनिफिट ये है कि बोर्नियो की ज़रूरत नहीं है। बोर्नियो वाला स्टूडेंट नहीं है ना, बोर्नियो वाला टीचर है यहाँ पर, बोर्नियो वाला टीचर जी सर। और यहाँ पर प्रैक्टिकल भी सर 8 से 10 घंटे 12 घंटे चलती है, और ऐसी कोई क्लास नहीं होगी सर जो सुबह लगती होगी 7 बजे 6 बजे 5:30 बजे 6:30 बजे 7:30 बजे और रात की 10-11 बजे तक ही चलती है। सबसे अच्छी बात ये सर कि हम प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे जी, बताते भी है सर भी बताते हैं और वो भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं, उसके बाद हमसे भी प्रैक्टिकल कराया जाता है। आप प्रैक्टिकल में ऐसा कि आया राम गया राम कर दिया, मतलब कोई स्टूडेंट बैठा है तो कुछ कर रहा है, कोई डाउट पूछ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं सर, प्रॉपर होता है टोटल सर। यहाँ काम करने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि लगता है कि करे जाओ, ना टाइम का पता, ना कुछ, ना थकावट, ना हो, टोटल सब कुछ सर। एक एक सब्जेक्ट सर ऐसा दिमाग में भरा जा रहा है ना कि निकलेगा नहीं, और जाके प्रैक्टिकल करना तो पड़ेगा हर व्यक्ति को। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो वो प्रैक्टिस करने के पार्ट आप लेके जा रहे हो नहीं ला रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो फिनिशिंग लेके जा रहे हो नहीं ला रहे हो सर, और लॉजिक के साथ हम अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक आपको मेरा क्लियर है? नहीं सर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आइए, इधर आइए। मेरा नाम अनिल कुमार है सर, मैं हरियाणा से हूँ जी। सर 2 दिन की आज दूसरे दिन की क्लास है, पहले दिन की क्लास में भी 1 नंबर का सब काम 1 नंबर से हुआ, और हमारे यहाँ MD सर हैं, MD सर प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया से कराते हैं,
देव सर एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उदाहरण से अच्छे से बिल्कुल अच्छे से बताते हैं। आज दूसरे दिन का क्लास था, आज भी वैसे ही हुआ, ना टाइम देखने का किसी को वो है ना, और पता नहीं लगता काम में इतना मजा आता है सर, बस पूछिए मत, इतना तो कभी आया ही नहीं। अब देख के पछता रहे भाई पहले क्यों नहीं आए जी। ज्ञान बटोरने वाला होना चाहिए, यहाँ पे इतना ज्ञान मिलता है। आप तो हरियाणा से थे, दिल्ली भी जा सकते थे। नहीं सर नहीं, हरियाणा से दिल्ली जाने का क्या फायदा है जब हमारे पास हमारे गॉड है देव सर। क्लैपिंग कर दो भाई सर के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। प्रकाश। कहाँ से हैं? कर्नाटक से जी। बताइए आज का दूसरा दिन का क्लास था, एमएमसी रिवाल का और कंपोनेंट का क्लास, इसके बाद लगभग 12 घंटे ज़्यादा हुआ है क्लास जी। हाँ तो ये बताइए मेरे को कि आपने सवेरे भी प्रैक्टिकल किया, हाँ सर के साथ आपकी क्लास थी, हाँ सर, और सर की क्लास में भी आपने 4 घंटे 5 घंटे की क्लास अटेंड करी, हाँ, उसके बाद सतत अभी 5-6 घंटे का प्रैक्टिकल फिर डबल सर। हाँ सर, तो क्या मतलब जो एक्सपेक्टेशन करके आए थे वो सारी मिल रही है? मिल रहे हैं सर। क्लास कैसी जा रही है? बहुत अच्छे से सर चल रहा है सर। सेकंड दिन में हमें डबल डक्कर भी किया है, उसके बाद पावर भी किया है, 4G CPU, उसके बाद पावर CPU के होने के बाद छोटे मोटे IC के नॉलेज भी मिला है, कंपोनेंट का ड्रॉयर किस तरह का होता है, कैपेसिटर कैसा होता है, उसके बाद रजिस्टर कितना होता है, उसका कितना पैरेलल में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, पता सब कुछ पता चला। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट सर, आज सुबह कॉल का क्लास हुआ और सुबह लगभग 10 घंटा आज एक प्रैक्टिकल हुआ, और उन लोगों का समय का पता नहीं चलता है, आज अभी देखते देखते कब 11 बज जाता है, 10 बज जाता है। और हमारे जो देवरतन सर है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया से बताते हैं, वो एक गोल्ड है हमारे लिए, हम सब के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग जितना भी जान है सबके लिए गोल्ड है, उसको हम खोना नहीं चाहते हैं सर, उसको मतलब सारा जितना ज्ञान है बटोर के ले जाना चाहते हैं, अनलिमिटेड ज्ञान है उसके पास। तो ये बताइए मुझे कि कल आपका क्लास है, हाँ सर, चालू मोबाइल से पावर IC निकाल के लगाइए। यस सर। तो कॉन्फिडेंस है आपको? यस सर। कॉन्फिडेंस है? यस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो चलो। सर मेरा नाम संदीप कुमार है। हाँ जी संदीप। अभी से हूँ सर। सर आज सुबह का IC रिवॉल्व करने का तरीका बढ़िया था, और अच्छे से प्रॉपर तरीके से IC रिवॉल्व किया है, और 11 बजे से देव सर का क्लास था, देव सर का क्लास इतना अच्छा था कि पढ़ने में भी मज़ा आ रहा था सर, और समझाने का तरीका एक एक पॉइंट बढ़िया अच्छे से समझाते हैं सर, समझने में भी बहुत अच्छा आता है, एक एक दिमाग में बैठ जाता है सर। सर का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, देव सर को भी थैंक यू करता हूँ, MD सर को भी थैंक यू करता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम इश्तियाक है, मैं बिहार लखीसराय से हूँ। इश्तियाक ये बताइए आपका दूसरा दिन कंपोनेंट 2 की क्लास, NHP भी साथ में चल रहा है, तो कोई ऐसी क्लास जो यहाँ पे टीचर ने दिए है तो वाह, सब नेक्स्ट लेवल है, जितना एक्सपेक्टेशन था हमको आने से पहले उससे आने के बाद और भी ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा है क्लास। आपको बिहार के सारे लोग देख रहे हैं? यस सर। तो क्या बोलना चाहेंगे, अगर एशिया टेलीकॉम अगर उनका फोन किसी कारण से नहीं उठा पाता है तो क्या कारण होता है? आपसे उनको थोड़ा बोलिए कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की मैडम नहीं रख रखी यहाँ पे, ना ही कभी रिपीट कॉल आएगा, वो टीचर्स कितने टाइम बिजी रहते हैं यहाँ पर जितने चलता है 12 से 14 घंटे तक सर हमारे साथ बिजी रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं उनसे कि बिहार वाले लोग अगर आप अगर कॉल लगा रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखो, कल आपसे बात हो जाएगी, कॉल बैक करेंगे। यस सर। है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, अपने बारे में जानकारी डाल सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं सर कॉल बैक मुझे एडमिशन चाहिए, राइट? यस सर। बोल सकते हैं सर? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आइए। सर मेरा नाम धनंजय राठौर है, मेरा नाम दिल्ली से हूँ जी। सर मैं ये की बात कहूँगा कि एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट, दूसरा सर कल भी कहा था आज भी कहूँगा, देवरत्न अग्रवाल सर जैसा कोई टीचर नहीं, इंडिया के नंबर वन टीचर जी। और आज की जो क्लास थी बहुत अच्छी क्लास रही, सेकंड कंपोनेंट थे आज पूरा का पूरा, मैं 2 दिन में आपका कंपोनेंट क्लियर हो गया। हाँ सर, 2 दिन में, और कंपोनेंट भी ऐसा कहता बिल्कुल दिमाग तक बैठ हुआ है, काम को लेके, टेस्टिंग को लेके, पहचान को लेके, सारी चीज क्लियर है सर 2 दिन के अंदर। कल हमारा क्लास है चालू फोन पे पावर लगाना,
और सर वो भी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कर लगा दे। तो खाली तुम लगाओगे कि पूरी क्लास लगाएगी? पूरी क्लास लगाएगी। क्लास लगाएगी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। मिर्जा साहब वेस्ट बंगाल से। जी साहब बताइए। सुबह यूनिवर्सल परेड से ड्यूल लेकर शिवपुर रिवॉल किया, उसके बाद गुरुजी शिवपुर रिवॉल किया, उसके बाद रतन सर का 11 बजे क्लास था, बहुत बढ़िया था। अगर मोबाइल लाइन में उसको माना जाए तो मोबाइल का बोगा बता। उसके बाद प्रैक्टिकल का बराबर टाइम मिलता है यहाँ? बराबर बराबर 9 से 10 घंटा प्रैक्टिकल होता है, 3 से 4 घंटे। आप ये चाहते थे कि मोर देन प्रैक्टिकल का टाइम मिले आपको, यही सोच के आए थे? तो वो सोच पूरी हो रही है भैया। चलिए ठीक है, थैंक यू। कपिल जी, कपिल बताइए। ऐसे डेली काम में आज आपका दूसरा दिन कॉम्पोनेंट के साथ प्लस हैंड स्किल के साथ। जी उसके बाद 7 बजे से आया था डबल टकर डिस्टेंस, मतलब यूनिवर्सल डिस्टेंस से किया सर, पावर आय किए। और उसके बाद देव सर से ये क्लास था, मतलब 3 घंटे का 4 घंटे का ये मतलब थ्योरी क्लास, और जो कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये बिल्कुल बताया सर। और उसके बाद एम डी सर जो है बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ को बताए, करके करवाए किस हिसाब से पकड़ना है, कैसे कंपोनेंट में कोई ऐसी चीज जो सीरीज होता है, पैरेलल होता है, डायोड की रीडिंग होती है, डायोड क्यों लगा होता है, उल्टा लगाया तो क्यों लगा है, सीरीज में लगाया तो क्यों लगा है, पैरेलल में लगाया तो क्यों लगा है, पैरेलल में कैसा लगा होता है, वो क्या काम होता है पैरेलल में उसका, सारे चीज सीखे हैं, सारी चीज बताया सर, कैसे पैरेलल सीरीज वाइज थर्मिस्टर हम मिरर डायग्राम पे ढूंढ सकते हैं वो भाई आपको सर ढूंढ सकते हैं बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। हेलो सर। हाँ जी, मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं बरेली यूपी से। जी मनोज बताइए, सेकंड डे की क्लास सर एकदम जबरदस्त रही सर, सुबह से शाम तक आज बहुत कुछ किया, सारी आईसियाँ ड्यूअल टेकर वगैरह सर, और सर कंपोनेंट के सारे जितने भी प्रकार के बोर्ड में लगे होते हैं सारी चेकिंग उनकी सारी वो भी कंप्लीट की सर। और देवरत्न अग्रवाल ने सर ने सर इस तरीके से समझाया, मुझे तो ये लगा सर कि डायग्राम ही उन्हीं ने बनाया है सर, डीपली इतनी डीपली नॉलेज एकदम जबरदस्त वाली उन्हें, ऐसे मालूम है कि एकदम को खुद ही सब कंपोनेंट को खुद बना बना के लगाया है। और जो सर के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जो कंपोनेंट 2 की क्लास थी, सच मानिए आप 10-10 दिन कंपोनेंट चलते हैं बाकी कोई समझा नहीं पाता, ना ही बच्चों के दिमाग में बैठ पाता। सर 2 दिन में सर कंपोनेंट की सर मतलब इतनी डीपली नॉलेज मतलब हो गई है सर, हमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, काफ़ी हद तक मतलब सीख चुके हैं। और सर जो हमारे एमडी सर है ना वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि और अच्छे से एकदम भर जाता है सर। प्रैक्टिकल का पूरा टाइम मिलता है सर? पूरा टाइम एकदम, कोई लिमिट नहीं है, बता देता और बोले कि ठीक है तुमने तुम्हारे हिसाब से कर। नहीं नहीं सर, अगर सर किसी को नहीं भी आता है तो सर एमडी सर हमारे बिल्कुल उसे हाथ पकड़ के सब समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए तो ऐसे डेग्राम में दूसरा दिन में भी कंपोनेंट 2 की क्लास प्लस हैंड स्किल की क्लास प्लस प्रैक्टिकल। बताइए सर। मेरा नाम रविशंकर है। आवाज़ हमारी सर, मेरा नाम रविशंकर है सर, मैं नोएडा दिल्ली से हूँ सर। आज हमारी सेकंड दूसरी दिन की क्लास है हमारी, कंपोनेंट 2 की क्लास है सर। सुबह हमारी समथिंग 3 घंटे हमारी प्रैक्टिकल चली थी सर, और 3 घंटे के बाद सर समथिंग 11 हमारा 4 घंटे मॉर्निंग में प्रैक्टिकल था, 7 बजे से क्लास लगा के बैठे सर है ना, और 10:30 बजे सर आ गए थे, 10:30 बजे से आपकी प्रैक्टिकल क्लास थी और उसके बाद चली आपकी क्लास 3 बजे तक। तो देव सर के साथ भी मतलब काफ़ी कुछ ऐसा समझाते हैं जो एक बार में दिमाग में बैठ जाए। तो थैंक्स फॉर एशिया टेलीकॉम कहूँगा सर, एशिया टेलीकॉम को थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट जी। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। कुमार बिहार से आप, तो ये बताइए मुझे कि एशिया टेलीकॉम में दूसरा दिन क्या नॉलेज लेके उठे हैं आप? आज दूसरा दिन कॉलेज थी और सेकेंड कंपोनेंट के काम हुई है यहाँ पे। देखो जब आप यहाँ पर आए थे मैंने 26 तारीख को आपको प्रॉमिस किया था एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट जब तक क्लोज नहीं होगा, अगर 2 बजे या 3 बजे भी रात के बज जाते हैं अगर स्टूडेंट अगर सेटिस्फाई नहीं होगा, हेलो अगर स्टूडेंट अगर ये बोलेगा सर मेरे को आज का टास्क समझ में नहीं आया तो अगली क्लास नहीं होगी, भले मुझे 2 बजे रात तक बैठना पड़ेगा।
ये बात सही है या, या। अभी ये बताइए कंपोनेंट वन की क्लास किस किस की क्लियर है? सबकी क्लियर है? कंपोनेंट टू की क्लास किस किस की क्लियर है? सबकी क्लियर है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता है। किसी को हम छोड़ते हैं क्या? नहीं, किसी को भी छोड़ देंगे मतलब आया और छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, है ना? चाहते तो हम यहाँ पे 100 बच्चे बिठा सकते थे। कैपेसिटी है कि नहीं है हमारे पास, पर बाकी हम नहीं पढ़ाते, है ना? हम मी लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें हमको पढ़ाना हो। तो कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू पूरा क्लियर है हमारा। अच्छा, दूसरी बात, हैंड स्किल में जो जो भी सिखाया है आपको वो पूरा कंप्लीट है आपका? किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार को मैं इंडिया में पूरा लाइव आ रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ। आपके घर वाले भी, आपके माता पिता भी देख रहे हैं। पूरे पूरे भारत में ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है कि जो दिन में 12 बार लाइव आ रहा है? बताइए आज आपका आपका दूसरा दिन, अरे आपका दूसरा दिन, दूसरा दिन कंपोनेंट वन की क्लास कल थी, आज कंपोनेंट टू की क्लास थी, सवेरे हैंड स्किल की क्लास थी, आपने डबल डेकर यूनिवर्सल डिस्टेंस से किया कि नहीं किया? जी जी, बहुत अच्छा लगा। गाने में कहने में भी बहुत मज़ा आया और एमडी सर का तो खैर बात ही अलग है, और एक एक करके बारीकी से बताएं और उसी के अनुसार मतलब टेक्निकल ये ऐसा था कि एक बार में हम करके चीज़ें हमको समझ में आती, यूज़र फ्रेंडली होती है भाषा, यूज़र फ्रेंडली होती है, चीज़ें समझ में आती है और जो ट्रिक होती है वो वाकई में कारगर होती है। जी जी, इधर बताते हैं, इधर करते हैं और रिजल्ट मिलता है, निकल जाता है ना, यही चाहते थे ना हम। जी सर। चलिए, उसके बाद आपकी कंपोनेंट टू की क्लास देव सर के साथ थी, उनके साथ सर बहुत अच्छा लगा, और जो एक बार बताते हैं दिमाग में जाता है, एक बार में दिमाग में जाता है। अच्छा, वही चीज़ जो सबने बताई वही प्रैक्टिकल में आज मिली आपको, एक एक चीज़ मिली। वही मैं अगर बोल सकता हूँ कि किसी भी में से कोई सा भी कंपोनेंट निकाल के चेंज करना हो, रीडिंग लेके चेंज करना हो, दूसरे बोर्ड से निकाल के इस पे लगाना हो तो लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आइए, जो बच्चे हुए अरविंद यादव यूपी से। जी सर, आज दूसरे दिन का क्लास था, दो दिन में हम लोग का कंपोनेंट जी और हैंड स्किल से रिवॉल्विंग सीपीयू डबल डेकर 4G सीपीयू सब क्लियर हो चुका है जी। देव सर थ्योरी देते हैं और एमडी सर हम लोग को उसको डीपली बताते हैं पूरा कैसे चेक करना है, कैसे क्या करना है। प्रैक्टिकल का पर्याप्त समय मिलता है? पूरा पर्याप्त समय मिलता है सर, एकदम 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, जितना चाहिए, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक हम लोग को प्रैक्टिकल करने का टाइम। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट पूरी देश में कि जिसको कंफर्म नहीं हुआ हो? नहीं सर, ऐसा किसी का डाउट रहा हो, कोई क्लास ओवर कर दी हो, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, हेमंत पटेल छत्तीसगढ़। हेमंत पटेल छत्तीसगढ़ से। हेमंत पटेल, दूसरे दिन की क्लास एशिया टेलीकॉम में आती, मैं पूछ सकता हूँ आज आपने क्या किया? आज सुबह 7 बजे आए, उसके बाद डबल डेकर रिबॉलिंग की। अच्छा जी सर, प्रैक्टिकल हुआ जी, उसके पावर आईसी रिबॉलिंग की और लगाए जी, उसके बाद 11 बजे से थ्योरी क्लास हुई देव सर के साथ जी। नॉलेज कैसा मिल रहा है सर इसके साथ? बढ़िया मिल रहा है सर। क्या लेवल का नॉलेज मिल रहा है? एकदम जो समझ के आए थे वही मिल रहा है, उससे ऊपर मिल रहा है? उससे ऊपर मिल रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आई। मेरा नाम संदीप मांडरे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ जी। तो संदीप बताइए, एशिया टेलीकॉम में आज आपका दूसरा दिन है। जी सर। दूसरे दिन में जो जो भी काम हुआ है वो अपन करने में सक्षम है कि नहीं? यस सर। क्या स्पेशलिटी है एशिया टेलीकॉम की? सबसे पहली बात तो यहाँ का जो ऑनर है वो खुद एक टीचर है और दुनिया के सबसे बड़े टीचर है। यस सर। इस बात से रखते हो आप? यस सर। और उनका पढ़ाने का तरीका मैं बोल सकता हूँ यूनिक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, एडवांस तरीका है पढ़ाने का। कोई भी चीज़ डाउनग्रेड बताइए, नए नए कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली कि नहीं मिली आप? जी सर। क्या काम होता है ये मिला कि नहीं मिला? सर सब कुछ सिखाया है सर ने। अच्छा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल भी एमडी सर ने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है और करवाया भी है, हमने किया भी है प्रैक्टिकल, आईसी रिकॉल है सुबह, पावर आईसी कंपोनेंट का जो प्रैक्टिकल के कंपोनेंट कैसे चेक किए जाते हैं, कैसे बदले जाते हैं, क्या काम होता है कंपोनेंट का, ये पूरी जानकारी है? यस सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आइए भाई, अंदर फील हो जाओ ना, बाकी जो बच्चे अंदर आते आ जाइए अंदर आ जी। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है बिहार से, नाम बता दीजिए अपना। मैं उदय कुमार बिहार से। जी उदय, ये बताइए सेकंड डे की क्लास, लंबे समय से फील्ड में काम कर रहे हो, लंबे समय से फील्ड में बिलोंग कर रहे हो आप, तो आज क्लास के कंपोनेंट की सेकंड डे है सर जी। सुबह में हमने 7 बजे क्लास आया जी, एमडी सर क्लास लिए हमसे जी, सुबह में 7 बजे एमडी सर क्लास लिए, जो कि आईसीडी बोल करने का उन्होंने तरीका बताया जी।
एक बार उन्होंने टेक्निक बनाया बताया और सारे स्टूडेंट आईसी रिवोल करके सफल हो गए। कंपोनेंट की भी कुछ बातें बताएं। इसके बाद अगर बात सर आए, इसके बाद हम लोग गए वहाँ कंपोनेंट पढ़ने। आज सेकेंड डे है कंपोनेंट डे का। कंपोनेंट में डायोड बताया गया, कॉइल बताया गया, मॉस्फेट बताया गया, ट्रांजिस्टर बताया गया। उन्होंने इस तरह से बताया कि जैसे हमने आज 10 साल पहले जाना हो, मगर 10 साल पहले हमने जीरो था। आज 2 घंटे क्लास में मुझे ऐसा लगा कि 2 घंटा 10 साल के बराबर है। एशिया टेलीकॉम को और अग्रवाल सर को जी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जो उदय आप सोच के आए थे एशिया टेलीकॉम के, काफ़ी टाइम से आप प्रयत्न कर रहे थे आने का। मैं सर 3 महीना से जी प्रयास कर रहा था जी, आने का मुझे मौका नहीं मिला जी। इस महीने मौका मिले और हमने आया, मुझे एडमिशन हुआ जी। और सिर्फ 2 दिन पढ़ाई हुई है सर जी। 2 दिन में ऐसा लग रहा है कि हमने 10 साल की बराबर पढ़ाई कर ली है। अभी तो सर 20-22 दिन पढ़ने हैं जी। आगे क्या होगा उद्देश्य टेलीकॉम देगी और हम लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है जी शिवम, काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं आप जी सर। तो थोड़ा सा बताएं आज आप कंपोनेंट 2 की क्लास प्लस हैंड स्किल की क्लास जी सर, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली सर? कंपोनेंट 3 पैरल के बारे में हाँ नहीं, वो आपको डिटेल में बतानी है। नॉलेज किस लेवल का मिला है? बहुत हाई लेवल। अगर यही नॉलेज अगर जो हेलो आप सबसे एक क्वेश्चन मेरा, अगर यही क्लास अगर जो कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 की क्लास जो देव सर ने दी आपको, अगर ये तीसरा टीचर या तीसरे इंस्टीट्यूट में अगर आप अगर पढ़ते तो क्या बस आप नॉलेज लेके वो पढ़ते क्या? ये नॉलेज मिलता क्या? कितनी बारीकी से कितनी नई नई चीज़ें आपको बताई हैं उसके अंदर, क्या काम होता है ओल्ड से ओल्ड, लेटेस्ट से लेटेस्ट कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है? अच्छा बिना काम की कोई चीज़ें बताई क्या? हेलो कोई भी एक चीज़ बिना काम की जो हमारे से वास्ता नहीं रखती हो बताई क्या? नहीं बताई, हमने हमारी काम की चीज़ें करी। जो सर ने पढ़ाया उसी का प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। पेट भर के? जी सर। मेरा नाम महेंद्र कुमार शाह है, धनबाद झारखंड से है। हाँ जी महेंद्र कुमार, बताइए एशिया टेलीकॉम में आज आपका दूसरा दिन। यस सर। और दूसरे दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? थ्रू आउट बताइए, आप लाइव है, ये देखो आप लाइव चल रहे हैं, कैमरे के सामने चल रहे हैं। सर बिलीव नहीं हो पा रही है कि सर 2 दिन में इतना हम कर पाएंगे जी। बहुत अच्छी लगी सर एशिया टेलीकॉम से जी। अच्छा कोई ऐसी चीज जो एशिया टेलीकॉम ने आपको बताई हो दूसरे बच्चों को आई हो और आपको नहीं आई हो? नहीं सर। ऐसा कोई स्टूडेंट पूरी क्लास का नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल का पूरा पर्याप्त टाइम मिलता है? यस सर, यस सर। पूछ सकता हूँ कितने घंटे मिलते हैं? 11 घंटा 10 घंटा मिलती है सर। मिलता है? यस। चलिए सर, मेरा नाम संदीप है, मैं हरियाणा से हूँ। संदीप हरियाणा से, बहुत दूर से जबलपुर, आप चाहते तो दिल्ली भी जा सकते थे। एशिया टेलीकॉम ही क्यों जी सर, एशिया टेलीकॉम अगर मैं भरोसा करके आया तो 2 दिन में भरोसा दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा दिया सर। 2 दिन में देव सर ऐसे पढ़ाते पता ही नहीं लगता वो थ्योरी करवा रहे हैं या प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल मालूम ही नहीं पड़ता है, वो थ्योरी की क्लास का और प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है। बिल्कुल सर, वो जो समझाते हैं दिखा दिखा के बिल्कुल जी, वो बिल्कुल माइंड में चला जाता है सर जी। और बहुत बढ़िया सर, थैंक्स फॉर एशिया टेलीकॉम। सर मेरा नाम संजू है, मैं सिवनी MP से हूँ। आज मेरा एशिया टेलीकॉम में सेकेंड दिन है और सेकेंड दिन में सर मेरा डबल डेकर CPU का क्लास था, पावर IC CPU रिवॉल्विंग की क्लास था सर। मैंने रिवॉल्व किया डबल डेकर पावर IC एक ही बार में रिवॉल्व कर लिया। और थ्योरी के क्लास भी था सर देव सर का, कंपोनेंट डायोड जैनर पुश कॉइल डुअल कॉइल मॉस्फेट वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाते सर, पूरा बेसिक नॉलेज मिलता है यहाँ पर। और फिर MD सर प्रैक्टिकल कराते सर, 10 से 11 घंटा प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से पूरा समझ में जाता है। ये बताइए मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं सर? प्रैक्टिकल्स अवर थ्योरी अवर, थ्योरी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ टीचर आपको मिस्टर देवर्धन अग्रवाल सर से आपको मिलता है। यस सर, है ना। और प्रैक्टिकल के लिए पर्याप्त तो समय मिलता है, कोई डाउट नहीं होते, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। सर मेरा नाम ऐश्वर्य है, मैं UP से हूँ। हाँ जी। आज हम लोग का सुबह में क्लास था डुअल लेटर और नॉर्मल CPU रिबॉलिंग का जी। तो उसके बाद सर के साथ हम लोग का मतलब पूरी क्लास हुआ
कॉइल का और कैपेसिटर का, उसमें हम लोग को अच्छी जानकारी मिली। उसके बाद हम लोग मतलब प्रैक्टिकल करने का समय मिला। प्रैक्टिकल में कोई डाउट? नो सर, कोई समस्या? जो देव सर ने पढ़ के पहुँचाया वही उसी का प्रैक्टिकल हुआ, कोई दूसरी चीज का प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम हाफिज़ुल हक है, मैं आसाम से हूँ जी। आज सेकेंड डे क्लास है जी, कंपोनेंट और आईसी के बारे में भी, आईसी रिकॉर्डिंग के बारे में। तो हाफिज़ुल ये बताओ मेरे को कि आपकी दियो सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट क्यों की, क्या लेवल का नॉलेज लेके बैठे हो आप? तो बोल नहीं सकते सर, जितना उनका नॉलेज है अपन वो बात में नहीं खत्म नहीं कर सकते, बात तो खत्म नहीं हो सकती। अरे इसलिए उनके लिए क्लैपिंग। प्रैक्टिकल का पूरा समय मिलता है? समय मिल रहा है, पूरा समय मिल रहा है। मेरा नाम इब्राहिम है, मैं अहमदाबाद से हूँ। हाँ जी भाई, तो बताइए गुजरात से जबलपुर आए आप, बहुत सारी दुनिया छोड़ के आए, तो वो दुनिया छोड़ के आने का रिजल्ट मिल रहा है? मैं जो जो भी डाउट कंपोनेंट में लेके आया था वो सारे डाउट क्लियर हुए। अच्छा, बोलने का वो मिला, पूछने का वो मिला आपको कि बिना पूछे मिल गया? नहीं, उन्होंने समझाया इस तरह। पूछना पड़ा क्या कि सर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछना पड़ा, उन्होंने सामने से बताया और इस तरह बताया कि सारे डाउट क्लियर करवा दिए। और सुबह फिर सीपीओ रिबॉलिंग किया जो हमने इससे पहले कभी नहीं किया था, और इस तरह रिबॉलिंग किया जैसे खेलते खेलते रिबॉल हो जी, और सक्सेस। फिर उसके बाद में हमने पावर रिबॉल किया, उसके बाद में फिर बॉर्ड के अंदर पावर को फिक्स किया, और फिक्स करने के बाद रीडिंग चेक करी तो कंप्लीट रीडिंग। और कल क्या आया आपने? और कल फिर ऑन बोर्ड में पावर निकाल के वापस लगा के फ़ोन को चालू करना है। और एशिया टेलीकॉम मतलब के हमको करवा के देगा, हम खुद करेंगे मतलब के। जी चलिए ठीक है, चलो दोनों आ जाओ, एक दो तीन, तीनों आ जाओ जी, आ जाओ सभी आ जाओ जी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शहीदीन अहमद जी। अपना नाम बताइए। रंजित। रंजीत कहाँ से हैं आप? बिहार से जी। उमेश कुमार हिमाचल से जी। आगे आइए। अच्छा, मैं सभी का आपसे प्रश्न मिला, तो जो आज की क्लास थी हमारी कंपोनेंट टू की क्लास थी, प्लस हमारी डुअल डेकर रिपोर्ट की क्लास थी, प्लस साथ में हमारा जो कंपोनेंट टू की क्लास थी प्लस उसका प्रैक्टिकल था, और हमने माउंट रिमाउंट की एक प्रैक्टिस की जिसकी हमारी फाइनल क्लास कल है, तो हम तैयारी के साथ हैं कि नहीं? यस सर। हम अगले सब्जेक्ट को बैठ के पढ़ने के लिए उसके लिए रेडी है कि नहीं है? यस सर। रेडी है कि नहीं है? यस सर। तो आज जो तुम्हारा वर्किंग आवर था, आज भी वर्किंग आवर था, कल भी वर्किंग आवर था, वर्किंग आवर यानी मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, तो प्रैक्टिकल में पर्याप्त तो समय मिल रहा है आपको? यस सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। बोले ऐसा होता हो कि मतलब सब कर लेते हो और आपसे नहीं होता हो? तेरह घंटे का क्लास है जिसमें से 10 घंटा हम प्रैक्टिकल में बिताते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, 3 घंटा का थ्योरी करते हैं जो कि 30 दिन के बराबर है जी। और उस तीन घंटे की थ्योरी को हम 10 घंटा प्रैक्टिकल में बिताते हैं जी, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल जी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। घंटे की क्लास चलती है? 12 घंटे होता है क्लास? तो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? आज सीपीयू रिबॉलिंग। सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा, किस किस लिए करा ये? एक बार करा कि बार बार करा? कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? तो सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर, तीसरे दिन पावर किस सिलसिले करा था? सबने किया था? यस सर। और चौथे दिन आपका सीपीयू? यस सर। तो चौथे दिन सीपीयू सबका डन हुआ? यस सर। सबका? यस सर। आवाज नहीं आई? यस सर। यस सर। तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। एक एमएलए का सर्किट डीआर 16 लाख का, यस सर। आप बताओ किस किस को समझ में आया? यस सर। प्रैक्टिकली? यस सर। क्या बात है? तो क्वार्टर और सोको और थोड़ा सा भी बने रहे लाइफ में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत
हमको ने सीपीयू ब्लैक पेस्टेड कोला विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? यस सर। कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम मस्त जैसा कट रही है। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से आया नहीं। ये लाइट ऐसे चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो जो है 4 वोल्ट। अगर उसको पल्स आएगा तो उसकी टेस्ट से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, उसके आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, गिटार लगा हुआ है, ट्यूबलेट आए और मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना है। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?